जो रेसिपी है ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, एकदम अलग है, स्नैक के रूप में बहुत अच्छी रहेगी। और ये जो रेसिपी है इसकी चलिए एकदम जल्दी से शुरुआत कर देते हैं। बस तेल ले लेते हैं और इसमें क्या चाहिए मुझे, इसमें चाहिए बीट रूट। और ये जो बीट रूट है इसे बॉईल कर लें, उबाल लें। वैसे ये जो बीट रूट है अपने आप में ही बहुत बढ़िया चीज़ होता है, सैलड में बहुत अच्छा लगता है, सैंडविच में बहुत अच्छा लगता है। तेल गर्म हो गया और अब इसमें ढेर सारा प्याज, इसे पकाना है हमने। और इसके साथ साथ कुक्ड बीट रूट, उसको ग्रेट करके फिर ले लें। इसके अंदर वह सी सॉल्ट, ये देखिए, ये नमक डाल के प्याज और बीट रूट दोनों को पकाना है। तो ये लीजिए, अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, अच्छा मसाले जो हैं बहुत ही कम, नमक, लाल मिर्च, बस ये देखिए। अब एक और चीज़ करनी है, वो ये आंवला, आंवले का मुरब्बा बनता है, बहुत बढ़िया बनता है, इसका अचार भी बनता है, इसका रस भी बहुत अच्छा बनता है। इसको क्या करना है, इसको ग्रेट करना है, छोटा छोटा ग्रेट। ये आंवला, थोड़ा इसमें नमक और नींबू का रस, इसको अभी जरा ऐसे ही रखते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब जो मॉइस्चर है काफी कम हो गया है, अब एक काम करते हैं इसको मिक्स करते हैं हम आलू के अंदर। और आलू जो हैं उबले हुए, ग्रेट किए हुए, ये देखिए आलू और बीट रूट। और अब ये जो मेरे पास आंवला है ये भी इसके अंदर, वैसे आप चाहें तो इसकी स्टफिंग भी कर सकते हैं। खैर मैं इसी तरह से इसमें मिक्स कर रहा हूँ। अब इसे आप कुछ देर तक फ्रिज में रख दें ठंडा करने के लिए। वो किस लिए, भाई फ्रिज में आप इसे डालेंगे तो ये थोड़ा सख्त हो जाएगा और इसकी टिक्की बनाने में आसानी रहेगी। जी हाँ, इसकी टिक्की बनाएंगे। चलिए मैं तो ठंडा नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसे ही बनाता हूँ। और इसे बनाने के लिए काम करना है, तवा गर्म करना है और हाथ में तेल लगा लें, ये देखिए। और अब इसकी टिक्की बनाएंगे, बस देखिए आराम से बन जाएगी, ये देखिए शेप तो बहुत आसानी से आ जाती है। और इसके बाद इसे पकाएंगे, पकाने के लिए नॉन स्टिक पैन लें और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसे बस दोनों तरफ से पकाना है, एक तरफ जब सिक जाए फिर पलटेंगे, लेकिन ध्यान से। तो ये अगर तेल गर्म हो गया हो, जी हाँ तेल गर्म, और ये देखिए क्या लगता है आपको, ये तैयार हो चुकी होगी एक तरफ से, देख लेते हैं। वाह, और इस तरफ भी इसे इसी तरह से हमने सेकना है और दोनों तरफ से बस अच्छी तरह से सेक कर इसे परोसे गर्मा गर्म। अच्छा मैंने एक काम किया है, ये मेरे पास है आंवला और लाल मिर्च, थोड़ा नींबू का रस, ये जरूर खाएं। आ, और ये जो टिकिया है गर्मा गर्म चुकंदर के कबाब, मजा ले, पेश है आपके लिए, ये लीजिए। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका रिकैप। आंवला और बीटरूट की टिक्की के लिए हमें चाहिए 6 आंवले ग्रेट किए हुए, 1 कप बीटरूट यानी चुकंदर उबला हुआ और ग्रेट किया हुआ, 3 आलू उबले हुए और मसले हुए, 1 बड़ा चम्मच तेल और शैलो फ्राई करने के लिए तेल, 1 प्याज बारीक कटी हुई, सी सॉल्ट स्वादानुसार, आधा बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। इसे बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करके इसमें प्याज डालकर भून लें, इसमें चुकंदर, सी सॉल्ट और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करें, इसके साथ नमक और नींबू का रस डालकर मिक्स करें और इस तैयार मिक्सचर को ग्रेट किए हुए उबले हुए आलू में मिक्स करें और इसमें आंवला डालकर मिक्स कर लें।
अब इसे रेफ्रिजरेटर में करीब आधे घंटे तक रख दें। अब हाथ पे थोड़ा तेल लगाकर इस तैयार मिक्सचर की टिकिया बनाएं और एक तवे पर तेल गरम करके इन तैयार टिकियों को दोनों तरफ से सेकें और परोसे गर्मा गर्म।